गाजियाबाद में पॉक्सो कोर्ट ने 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बच्ची के मुंह बोले चाचा को फांसी की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि कोर्ट ने महज 29 दिन की सुनवाई के दौरान ही ये फैसला दिया है। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाह पेश किए। इस सनसनीखेज घटना को बच्ची के पिता के ही जिगरी दोस्त चंदन पांडे ने अंजाम दिया था। माननीय विशेष न्यायाधीश श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, जिसमें आरोपी चंदन, जिसने एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जघन्यतम दुष्कर्म कारित किया था, उसे सजाए मौत की सजा सुनाई है। और ये अपने आप में एक ऐसा जजमेंट है जिसमें कि माननीय न्यायालय ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर इस प्रकार के लोग समाज में खुलेआम घूमते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज में खतरा बढ़ेगा। मामला कविनगर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का है। 19 अक्टूबर को 2.5 साल की मासूम को उसका मुंह बोला चाचा शराब के नशे में उसके पिता से मिलाने के लिए ले गया था, लेकिन रास्ते में ही उसके साथ रेप किया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पास ही के नाले में भी फेंक दिया था। पुलिस ने मामले की सूचना मिलने के बाद जिस तरह से इस केस में आरोपी को पकड़ा और सजा दिलवाई, उसकी काफी सराहना हो रही है। ये जो घटना हुई थी, इसकी सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर ही हम लोगों ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था। और ये मतलब जो है, इसमें काफ़ी पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की थी, बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट दाखिल की गई और इसकी पैरवी भी अच्छी की गई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की, पुलिस ने अपनी तरफ से गवाहियाँ, इसमें 10 गवाह पेश हुए थे जिन्होंने बहुत मजबूती से अपनी गवाह दिए और उसका ये नतीजा निकला हर चीज़ का कि आज इसे कैपिटल पनिशमेंट मिली है, जो ये इस तरह की घटना करने वालों के लिए बहुत बड़ा डेटरेंट साबित होगी और इससे जो है जस्टिस के ऊपर आदमी का जो विश्वास है वो भी होगा। वही पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बच्ची के परिजनों ने खुशी जताई है और न्याय मिलने की बात करते हुए न्यायालय को धन्यवाद दिया, साथ ही पुलिस के सहयोग को भी सराहा है। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आपकी बच्ची के हत्यारों को फांसी की सजा हुई है, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जब तक हम उसको अपनी आंखों से फांसी पे चढ़ते नहीं देखेंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। पुलिस का कैसा रहा, पुलिस का रवैया कैसा रहा? पुलिस वालों ने मुझे पूरी तरह से मदद की है, बहुत अच्छे से करी है उन्होंने, बहुत जल्दी मुझे न्याय दिलवाई है उन्होंने। और कोर्ट में वकील वगैरह ने, उन सब लोगों ने मुझे बहुत मदद करी है। तो अब आप क्या चाहते हैं? उनको हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। अब उसे जल्दी से जल्दी हम अपने आंखों से देख लें, उसको फांसी पे चढ़ते नहीं, यही मेरा निवेदन है। पुलिस ने 2 महीने के भीतर ही इस केस से संबंधित चार्जशीट कोर्ट में फाइनल कर दी थी। गाजियाबाद के पॉक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सुनवाई पूरी करते हुए 18 जनवरी को चंदन को दोषी करार दिया था और अब फांसी की सजा पर मुहर लगाई है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए कैपिटल पनिशमेंट की मांग की गयी थी। बाद में कोर्ट ने चंदन को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी।